आप सब जरूर देखिए यूटीवी आगरा। दो पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सामाजिक संस्था न प्रभात कृति के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्ष रूपम अग्रवाल एवं अनुशासन प्रभारी सौरभ अवस्थी के दिशा निर्देशानुसार आगरा के विभिन्न आयु वर्ग के जन समूह के सहयोग से जन जन के हृदय पटल पर झांसी की वीरता से परिपूर्ण साहसिक शौर्य गाथा संपादित वाली अद्वितीय अनुपम ओजस्वी आभा की स्वामिनी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के प्रेरणादायी बलिदान दिवस 18 जून के अवसर पर सामाजिक संस्था न प्रभात फ्रेंड्स क्रिएटिविटी क्लब समूह के सभी सम्मानित सदस्य गढ़वा मात्र शक्ति सदस्य परफॉर्मेंस डांस स्टूडियो जयपुर हाउस में एकजुट हुए एवं वीरभूमि झांसी की साहसी पराक्रमी वीरांगना मनु छबीली रानी मणिकर्णिका की वीरता पूर्ण स्मरण को याद करते हुए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के स्मृति चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धा दीप दान के 2 दीप जलाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था आगरा शाखा अध्यक्ष कविता गुप्ता ने की। संस्था के महिला सदस्यों ने एकजुट होकर डांस क्लासेस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विभिन्न आयु वर्ग के सानिध्य में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के समक्ष वीरांगना के वीरतापूर्ण स्मरण को याद किया गया, जिस पर बच्चों ने रानी लक्ष्मीबाई के वीरता निडरता साहस शौर्य पराक्रम को विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत की। तत्पश्चात वीर रानी अमर रहे का विजय उद्घोष पर अंतर मन की शक्ति को हृदय पटल पर संपादित किया एवं सभी भारतीय राष्ट्रवासियों से अपने घरों की मासूम बेटियों बहनों को वीरांगना की भांति साहसी और पराक्रमी बनने से संस्कार देकर अपराध मुक्त भारतीय राष्ट्र की स्वर्णिम गाथा को पुनः जीवंत करने का भाव भरा संकल्प लेने का आह्वान किया। बलिदान दिवस के अवसर पर संस्था सदस्यों ने एकजुट होकर वीर भूमि झांसी ऐतिहासिक भूमि आगरा सहित संपूर्ण भारतीय राष्ट्र के अलग अलग प्रांत राज्यों के समस्त प्रबुद्ध जन मातृशक्ति एवं युवा बंधुओं से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों पर मोहल्ले में मंदिर मस्जिद चर्च एवं गुरुद्वारे द्वारा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने एवं घर के बाहर 2 दीप श्रद्धा सुमन के जलाए जाने का भाव भरा आह्वान किया। बलिदान दिवस कार्यक्रम में रूपम अग्रवाल अर्चना अग्रवाल कविता गुप्ता प्रिया अवस्थी सौरभ अवस्थी वंदना अग्रवाल दीप्ति खन्ना रितु शिवरे उपासना शिवरे सोनिया जैन व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी सम्मानित वरिष्ठ सखियों का विशेष सहयोग एवं योगदान सराहनीय रहे। कहीं ना कहीं इन स्वर्ण अक्षरों को हम अपनी पीढ़ी को भी देना चाहते हैं कि वो उनसे कुछ सीखें। और जो महारानी लक्ष्मीबाई ने जो त्याग दिया बलिदान दिया देश के लिए, 1857 में उन्होंने अपनी जो तलवार उठाई थी, एक छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ निछावर कर दिया, अपने अपने साम्राज्य को खोया, अपने पति को अपने बच्चे को, और उसके बाद सब कुछ त्याग कर सिर्फ देश के लिए लड़ी वो। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सबके लिए, हम सब नारियों के लिए, कि आप अपने हक के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़िए, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके अंदर हमेशा आप अपने आप को कभी अबला ना समझें, आप एक सशक्त नारी बने, साहसी बने, हर मुश्किल का हर समस्या का समाधान निकालें। लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से किस तरह लड़कर अपनी भारत देश की आन बान शान को बचाया है, उन्होंने अपने चरित्र का हनन ना होते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को हाथ भी उन्होंने चरित्र का हनन भी नहीं होने दिया। आज हम अपनी भारत की देश की बेटियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप बनिए, लेकिन आप में एक गुण रानी लक्ष्मीबाई का भी हो। क्यों? क्योंकि आज की परिस्थिति को देखते हुए जिस तरीके से महिलाओं के संग बालिकाओं के संग अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए आज हमारी प्रत्येक नारी में प्रत्येक बालिका में रानी लक्ष्मीबाई का रूप दिखना चाहिए कि मारो और मरो, लेकिन अपने चरित्र के लिए, अपनी आन के लिए, अपनी बान के लिए, अपनी शान के लिए अगर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़े तो उससे भी एक कदम पीछे ना हटाएं। ऐसी ही रानी लक्ष्मीबाई को हम शत शत नमन करते हैं। आज हम सब ने यहाँ एकत्रित होकर उनका बलिदान दिवस मनाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा दिवस है। जैसे हमारी संस्था ने बालिकाओं के द्वारा
प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं में इस चीज़ इसका कार्यक्रम हम आयोजन करते रहते हैं। इसी के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार। झांसी की रानी का आज बलिदान दिवस है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये छोटा सा प्रोग्राम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ रखा है। हर लड़की में, हर नारी में उनका रूप दिखना चाहिए और आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हर नारी में आज की तारीख में झांसी की रानी का रूप नज़र आए। तो बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी प्रस्तुतियां हम लोग करते रहते हैं सभी ओकेशन के ऊपर। तो आज झांसी रानी, झांसी जी की रानी को लेके हमने प्रभात नव संस्था की तरफ से जो ये प्रोग्राम है ये इसको परिपूर्ण करने की कोशिश करी है, एक छोटी सी कोशिश बच्चों की तरफ से। तो झांसी की वीर बेटी बहू बन गई थी, जो उनकी मणिकर्णिका से लेकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी तक का जीवन सफर उन्होंने तय किया अपने देश प्रेम के लिए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस आज हम मना रहे हैं और बलिदान दिवस पर उनको नमन करके कैंडल जलाकर उनको याद कर रहे हैं। उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं समस्त नारी जाति के लिए एक उदाहरण है और वही उदाहरण हर नारी को अपने जीवन में लेकर अपनी जीवन की सभी अच्छी बुरी परिस्थितियों में भी ले बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। उन्होंने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी के गीत पर हमें डांस करके दिखाया, कविताएं सुनाई और बच्चों ने उनके नारे भी लगाए। ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी को मेरा नमन।